नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देना मेरा काम है। मैं आप तक वही जानकारी पहुंचाता हूं जो पूर्ण सत्य होता है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं होता है। खबरें भविष्य में गलत हो जाती हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ईश्वर का अवतार हूँ और जो बोल दिया वही हुआ, नहीं। कभी कभी बदलाव हो जाता है, समय अनुसार बदलाव हो जाता है। बदलाव का कारण इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करूंगा। जैसे मान लीजिए आरओ की भर्ती आने वाली है, चर्चाएं तीव्र गति से वायरल हो रही हैं, तीव्र गति से हवा में भ्रमण कर रही हैं, आपके दिमाग में घुस रही हैं वायरस की तरह, बैक्टीरिया की तरह। किस तरह से, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। कुछ लोगों ने कहा कि 15 अगस्त के पहले विज्ञापन आएगा, कुछ लोगों ने कहा कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक विज्ञापन आएगा। भैया, हमने बोला है कि अगस्त या सितंबर में विज्ञापन आएगा। इसमें क्या पाप हमने कर दिया है, कौन सी गलत खबर दे दी है? आपको मालूम होना चाहिए कि अगस्त से सितंबर, आज से नहीं, मैं लगभग 4 महीने से बोल रहा हूँ, अहर्ता का विवाद सुलझ जाएगा और इसके संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से आपको जुलाई में खबर मिलेगा। इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था और जुलाई माह में अहर्ता को लेकर जो विवाद था उसकी खबर आपको मिल चुकी है। जब आप लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, सभी नहीं जानते, जब कुछ लोग जानते हैं कि 15 अगस्त के पहले आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आखिरकार आप लोग ट्विटर अभियान क्यों चला रहे हैं, मेरा पहला सवाल। या मेरे द्वारा जो बताया जा रहा कि अगस्त से लेकर सितंबर तक आरओ का नोटिफिकेशन आएगा, वही बात सही है? बताइए किसकी बात में सबसे ज़्यादा सत्यता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आपको इस बात की जानकारी होती वास्तव में 15 अगस्त के पहले आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन आने वाला है, तो भैया आप ट्विटर अभियान नहीं चलाते। इसका मतलब है कि आप हवा हवाई बातें कमेंट बॉक्स में करते हैं, केवल एक चैनल के ऊपर टारगेट करके। यह आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो उसको साफ साफ लिख देना चाहिए, भैया हमको जानकारी नहीं है, हमने सुना है कि 15 अगस्त के पहले विज्ञापन आएगा। सुना है तो अपने दिमाग में बैठाया करो। कुछ लोग कहते हैं इस चैनल के माध्यम से बताया गया, उस चैनल के माध्यम से बताया गया, तो भैया पूरे YouTube पर बहुत सारे चैनल हैं, हर एक चैनल का ठेका नहीं लिया जा सकता। अब सभी का ठेका लेकर चलोगे तो भैया क्या कोई बता रहा है? देखिए, यूट्यूब जो है इस समय पैसा कमाने का धंधा बन गया है। तो भैया मैं वही खबर दूंगा जो सत्य होगा। हमने कहा समाचार पत्र के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार अहर्ता विवाद सुलझा या नहीं। समाचार पत्र में इस बात की खबर आपको मिल गई कि अहर्ता का विवाद सुलझ गया है। अब आदेश होगा अगस्त माह में कि भैया विज्ञापन पर कार्य करिए और अगस्त से सितंबर तक ही आपको आरओ की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। मिल जाएगी, शासन के ऊपर निर्भर करता है, मिल सकती है अगस्त टू सितंबर, आज से नहीं 4 महीने से बता रहा हूं। इसलिए अगर आप ट्विटर अभियान कर रहे हैं, ट्विटर अभियान की प्लानिंग बनाते हैं, अच्छा बात है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से कमेंट बॉक्स में 15 अगस्त के पहले, भैया 15 अगस्त के पहले अगर विज्ञापन आ रहा था तो ट्विटर अभियान क्यों चला रहे हो? इसका मतलब है कि आपकी बातों में दम नहीं है। आप लोग बच्चों को भ्रमित कर देते हो कमेंट के माध्यम से। आज इतने भी लोग, देखिए एक वीडियो बनाने का तरीका होता है, 75 वीडियो छोड़ सकते हैं, ट्विटर अभियान तो इतना ट्वीट हो गया, तो अब ये होने वाला है तो ये हो गया, भैया कई वीडियो बना। मैं वही खबर हूं, अधिकतम 2 से 4 वीडियो में बना सकता हूं, बहुत ही यूनिक जानकारी दूंगा, कंटेंट अच्छे मिलेंगे तो 8-10 बना दूंगा, लेकिन जब तक मुझे यूनिक खबर नहीं मिलेगी, नई खबर नहीं मिलेगी, सही खबर नहीं मिलेगी, तब तक एक भी खबर मैं आपको नहीं दूंगा। चाहे आप टेलीग्राम को छोड़ के चले जाइए, चाहे इस चैनल को छोड़ के चले जाइए, 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। तो अगस्त सितंबर के लिए तैयार रहिए, चेस्ट को अपने चौड़ा कर लीजिए, जिम उम कर लीजिए, दिमाग को फ्रेश कर लीजिए और आपको जंग लड़ना है आरओ का, और आपको इस परीक्षा में क्वालिफाई करना है। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। अगस्त सितंबर बताया हूं तो आपको वेट करना पड़ेगा।
और दोस्तों अक्टूबर तक हमने बोला था 2 से 3 वैकेंसी आएगी, तो बीईओ का भी नंबर लगा हुआ है, वह भी किसी वक्त जारी हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है, किसी भी महीने जारी हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या कम है और कैंडिडेट उतने नहीं रहेंगे, जिसके कारण बीईओ का नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और आरओ में 360 प्लस पद हो सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पीसीएस के संबंध में जानकारी मिल गया कि मेंस के डेट में परिवर्तन हो गया, उसके संबंध में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि कई चैनलों के माध्यम से बता दिया गया है, नोटिस भी आया है, तो जो लोग मेंस देने वाले हैं उनको जानकारी होगी। हाँ, इतना कहूँगा कि पीसीएस 2024 में पदों की संख्या में अब की बार की अपेक्षा ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, यानी कि दोगुना हो सकता है। क्या? पदों की संख्या इसकी अपेक्षा दोगुना हो सकता है। तो आपको अब पीसीए 2024 की टारगेट पर लग जाना चाहिए। एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर हम बात कर लें तो एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती के अहर्ता का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इसी महीने सुलझेगा और समाचार पत्र में खबर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। इतना हम भी उम्मीद करके बैठे हैं, आप भी उम्मीद करके बैठे हैं। लेकिन अगर कोई कहता भैया इस महीने आ जाएगा, उस महीने विज्ञापन आ गया, इस पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इंस्पेक्टर, अगर जानकारी मैं आपको दूं तो सितंबर टू अक्टूबर माह तक आपको एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिल सकता है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करूंगा बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, बीएसटीसी को लेकर। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, केवल आर्डर सुनाया जाना है। सबकी धुकधुकी लगी हुई है, सबका दिमाग खसका पड़ा है, भैया क्या होगा, बीएड जीतेगा कि बीटीसी जीतेगा, बीएसटीसी मामले में क्या होने वाला है। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, सबसे सटीक जानकारी बताना चाहता हूँ। दोस्त, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 70-30 का रेशियो है, बीएड को राहत देते हुए बीटीसी की जीत होगी। मैं दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, एक को नहीं, बीएड को राहत देते हुए बीटीसी की जीत होगी, इसकी उम्मीद हम करते हैं। और जो मुझे जानकारी है, बाकी जब रिजल्ट आएगा आपके सामने तो आप खुद जान जाएंगे कि मेरे द्वारा जो बताया गया वह सही है गलत। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था, जो लोग कह रहे थे 20 जुलाई के पहले ऑर्डर आ जाएगा, हमने क्या बोला था, इस महीने के एंड यानी कि जुलाई के एंड या अगस्त के प्रथम पखवाड़े तक ही आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो मेरे द्वारा आज 2-3 महीना पहले बताया गया था, वही बात सही साबित होती नजर आ रही है। तो तैयार रहना, दोनों के लिए खुशखबरी है, कोई बुरी खबर नहीं है। अब मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट के बाद, आप समझ रहे हैं कि रिटायर होंगे तो भर्ती करने के, तो इसकी उम्मीद मैं नहीं करता हूं, हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई यही है। घर में दाल भात खाने से, लिट्टी चोखा खाने से या कुछ भी खाने से भर्ती नहीं आती। हमारे वीडियो को लाइक करने से या डिसलाइक करने से या वीडियो को नॉट शेयर करने से या फिर बदले कमेंट करने से भर्ती नहीं आएगी, थोड़ा परिश्रम से भर्ती आएगी। और इस पृथ्वी पर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिला है। अगर आप नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हो तो नौकरी तभी मिलेगी जब आपकी क्षमता होगी, आपको मेहनत करने का जुनून होगा, आप परिश्रम कर पाओगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। उसी प्रकार से वैकेंसी आपको तभी मिलेगी जब आपका जज्बा जुनून होगा और आप परिश्रम कर पाओगे। अब वह जमाना गया कि बच्चों को खुश करने के लिए सरकार वैकेंसी देती थी, अब ऐसा जमाना आ गया है चाहे वैकेंसी दो या ना दो वोट हमें मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप भर्ती भूल जाओ। दूसरी बात, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे समाचार पत्र के माध्यम से। चलिए, उनकी खबर कहीं रही होगी, कहीं से पता चला होगा, 24 जुलाई तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। भैया 4 दिन बाकी है 24 जुलाई, क्या 4 दिन में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा? नहीं होगा। हमने क्या बोला था, याद करो, पिछला वीडियो देखो जाकर उठा उठा के, हमने बोला था कि अगस्त सितंबर के पहले किसी भी कीमत पर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल दिया था इस चैनल के माध्यम से राज पांडे के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा बताया गया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी कैबिनेट से मुहर नहीं लगेगी, प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगेगी। अभी पिछला कैबिनेट हुआ था, अगले कैबिनेट के लिए जो है प्रस्ताव को खिसका दिया गया। रेल की पटरी बिछा देने से
रेल की पटरी बिछा देने से, हमने बोला था रेल की पटरी बिछा देने से उस पर ट्रेन चल रही है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से ऑफिस बना देने से, ऐड लगा देने से, मीडिया के माध्यम से प्रचार कर देने से, अब खुद मुख से बोल देने से किसी आयोग का गठन नहीं हो जाता है। कार्य करना पड़ता है और आयोग का गठन जब होगा और कार्य होने लगा तब मानेगा भैया गठन हो गया और कार्य होने लगा। भैया ऑफिस बना दे रहे भाई शिलान्यास हो जाता है, कई जगहों पर सड़क नहीं बनी रहती है सूझ, तो आप लोग सोचिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगस्त सितंबर के पहले नया शिक्षा सेवा आयोग भी नहीं बनेगा। अब जितनी भर्तियाँ हैं सब चुनाव के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद ही कंप्लीट होंगी, यह भी गारंटी के साथ आज नहीं बहुत पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको सबसे पहले देने का प्रयास करता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।